सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। आपको बता दें कि आनंदपुर साहिब में मनाए जा रहे होला मोहल्ला की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज से जो है इस होला मोहल्ला की जो आयोजन की शुरुआत हो चुकी है और 2 मार्च तक जो होला मोहल्ला का जो समारोह है वो यहां पर चलेगा। जो तमाम तैयारियां हैं वो वहां पर पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि मेले की वहां क्या कुछ रौनक है। तो तख्त श्री केसरगढ़ साहिब से हमारे विशेष सहयोगी हरकिरत अहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरकिरत, होला मोहल्ला को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज से शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ रौनक वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल आशिमा, तुहानू दसना चाहांगा कि होले मल्ले की जिहड़ी शुरुआत है वो इसी धरती तो शुरू होंदी है और इसी धरती तो ही इहदा नींव रख्या गया सीगा, क्योंकि मनिया जांदा जिहड़ा खालसा है वो होली नहीं होला खेडदा और मल्ला करदा। इस नूं लैके जिहड़ी तमाम तैयारियां ने वो SGPC वल्लों पूरी कर लीतियां गईआं ने, सुरक्षा के भी जिहड़े बंदोबस्त ने वो भी किए गए हैं। मेरे नाल जिहड़ी सिख संगत है वो भी इत्थे मौजूद है। आशिमा, सब तो खास गल इस धरती की, इत्थों ही खालसा बणिया सीगा, इत्थों ही खालसा की शुरुआत हुई सीगी और सब तो वड्डी गल अज दे जेकर जनरेशन की गल करिए हर धर्म के लोग इस गुरुद्वारा साहिब दे विच पहुंचते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हाँ तख्त श्री केसगढ़ साहिब जिथे हुम हुमा के जिहड़ी सिख संगत है वह पहुंची हुई है और गुरु साहिब दे जाके हुण अंदर दर्शन दीदार करेगी ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने नतमस्तक होएगी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी कह गए सके सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, और अज तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे विच जिहड़ी सिख संगत है वह गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने जाके नतमस्तक होएगी और गुरु घर दे खुशियां हासिल करेगी। इलाही बाणी के जिहड़े कीर्तन ने वो भी सरवण करेगी ते नाल ही जिहड़े रागी ढाडी जत्थे ने वो भी उचेचे तौर ते इत्थे बुलाए गए ने, दिल्ली तो पटना साहिब तो हजूर साहिब तो घुम हुमा के जिहड़े रागी जत्थे ने वो भी इत्थे पहुंचे हुए ने, नेला सिख जथेबंदियां दे जिहड़े नुमाइंदे ने वो भी इत्थे मौजूद ने इस टाइम और सिख संगत भी है। सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किन्ना आनंद माण रहे हो अज होले महल्ले दे इस पवित्र ध्याड़े दे उत्ते आके तुसीं तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे? बहुत आनंद आ रहा जी इस मेले दे विच, बहुत ज्यादा मौसम भी ठीक है, बहुत वधिया अरेंजमेंट भी बहुत वधिया ने इत्थे ते बहुत वधिया सानू लग रहा इत्थे। कित्थों आए हो तुसीं? असी जलंधर तो आए जी। ते तुसीं वेख सकते हो आशिमा की विदेशों तो भी इत्थे जिहड़ी संगत है वो भी जुड़ी हुई है, लेकिन जिहड़े सिंह साहब ने आए हुए हैं जलंधर तो और हुम हुमा के जिहड़ी सिख संगत है वो भी इत्थे पहुंची हुई है। तुसीं कित्थों आए हो? असी तरन तारण साहब तो आए हैं जी। बहुत जड़ा साडा सिख भूमि का इतों साडा जन्म होया, गुरु गोबिंद सिंह ने सानू साजा जे अज वो तौकत ना करते असी अज इतने ना होंगे। इस मेले के अं हुम हुमा के पहुँचते हाँ हर साल की तरह, तो असी सारे नगरों तो ट्रैक्टर ट्राले लैके आने, बहुत प्रबंध किया है सरकार ने, प्रबंध किया सोनी कमेटी ने, बहुत प्रबंध किया है, अपने आप सुरक्षा के लोग अपने आप होले मना रहे। तो आशिमा मैं तुहानू दसदा कि शस्त्र विद्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने खास तौर पर अपने खालसा नू देन दित्ती सी, उन्होंने सिखाया सीगा, वो भी इत्थे जिहड़े जोहर ने वो भी विखाए जाणगे आने वाले 2 दिन दे विच। होला महला जिहड़ा होला वो भी खेडिया जाएगा, जिहड़े खालसा एक दूजे दे उत्ते रंग लगाएगा और होला खेडेगा, क्योंकि खालसा पंथ दे विच होली नहीं होला खेडिया जांदा। आशिमा बैक टू यू। हर बार ये जो होला मोहल्ला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, अगर इस बार की बात करें तो इस बार क्या कुछ खास इंतजाम इस आयोजन को लेकर किए जा रहे हैं हरकिरत? बिल्कुल आशिमा, तुहानू दसना चाहांगा कि जिहड़े आले दुआले दे जिहड़े रहण दे इंतजाम ने वो खास जिहड़े प्रबंध ने इत्थे कीते गए ने, और सुरक्षा दे जिहड़े पुख्ता इंतजाम ने वो इत्थे कीते गए ने, और पार्किंग की समस्या सीगी वो इस बार जिहड़ा वेखण नूं मिल रही कि पार्किंग की समस्या इस बार निपटारा होया पार्किंग तो भी, और जिहड़ी संगत है वो भी हुम हुमा के दूर नेड़े पहुंच रही है आनंदपुर साहिब तक श्री केसगढ़ साहिब तुसीं वेख सकते हो। मेरे नाल होर भी जिहड़े सिख जथेबंदियां सिख संगत है वह जानने की कोशिश करते हैं कित्थों आए हैं, तुसीं कित्थों आए हो? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असीं जलंधर तों जी, ते मैं इत्थे संगत नूं मैसेज देना चाहुंदा कि इत्थे प्लीज़ तुसीं मत्था टेकण आयो ते बड़े गुरमर्यादा अनुसार मत्था टेको, ते इत्थे जो भी रूल्स ने उन्हूं फॉलो करो ते जिहदे नाल आने वाली संगत नूं मतलब वधिया लगे, है ना, बाहरों नेड़े संगत आनी है उन्होंने बहुत वधिया फील होवे, तुसी इस गल का ख्याल रखो जरूर। आशिमा, ये वही पावन धरती है जहां पर खालसा पंथ
बना था, उसकी सिर्जना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1757 यानी कि 1757 में यहां पर शस्त्र विद्या और दो बल जो है वो बनाए थे। उसके बाद वो उनको आपस में लड़ाते थे, एक प्रैक्टिस के तौर पे जो है वो जंग लड़ी जाती थी और जो जीतता था उसको सिरोपा यानी केसरी जड़ा केसरी कलर का जड़ा कपड़ा है वो इथे उन्होंने सिरोपा साहब कहा जाता है वो गुरु गोविंद सिंह जी भेंट करते सके। 1757 से लेकर अब तक ये प्रथा जो है आनंदपुर साहिब में चलती ही आ रही है। और यहाँ पे महल्ला, होला का मतलब कि आप एक दूसरे को रंग लगाते हैं, महल्ला मतलब कि आप शस्त्र विद्या, जंग, घुड़सवारी और ऐसे कर्तव्य दिखाते हैं जो सिखों की पहचान है, वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। आशिमा बिल्कुल हरकिरत, संगत में काफी उत्साह देखा जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इंतजाम भी खास किए गए हैं। एक बार हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरा घुमाकर दिखाएं वहां पर किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है हरकिरत। बिल्कुल बिल्कुल आशिमा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मुख्य बाजार है यहाँ का, वो इस टाइम हम बिल्कुल सेंटर पे सर्कल पे है वहां पर खड़े हुए हैं और जो बाजार है आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। जो भी एसेसरीज रिलेटेड होती है सिख जथेबंदियों से वो यहाँ पर मिलती है, चाहे वो कृपाना हो, चाहे वो गुटका साहिब होए, चाहे जेड़ा रसद तुसी गुरुद्वारा साहिब दे विच देनी होए वो इतने देनी होंदी है। तो एक तुसी एक्साइटमेंट जेड़ी है वो तुसी सिख संगत दे विच वेख सकते हो कि किन्ने एक्साइटेड ने और होले महल्ले दे इस पवन त्योहार के उत्ते आए हुए ने, होला महला खेडन आए हुए ने तो जेड़ा पवित्र तो पवित्र जेड़े समागम ने वो भी इत्थे कराए गए ने। ते बहुत रौनकां जेड़ी है आनंदपुर साहिब दे विच लगियां हुई है और एसजीपीसी दे जेड़े अहुदेदार ने वो भी कहिंदे हुए नजर आ रहे ने कि जेकर तुसी अज तक आनंदपुर साहिब दी पावन धरती ते नहीं आयो तो तुसी आके दर्शन दीदार कर सकते हो। ते बहुत जेड़े बच्चे भी ने तुसी वेख सकते हो आशिमा वो भी इत्थे पहुंचे हुए ने गुरु साहिब दे दर्शन करन दे लई। तुहाडा की नाम है? गुरबंत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेख सकते हो कि उन्होंने जेड़े दादी माँ ने वो भी इतने आए हुए ने, की कहना चाहोगे? असी बहुत अच्छा वा जी, गुरु के होला महला मना आए, बहुत वधिया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इतने आके शांति मिलती है गुरु घर के। आशिम एक खास गल होर वेखन मिलती है, इतने हर कोई तो जिन्हें पग तो बनी हुई है लेकिन तुम देख सकते हो एक छोटा जा जेड़ा जवाक है उन्हें भी पग बनी हुई है, हाले सो रहा है, थक गया होना मे बी, वो अपनी मां दे कंधे दे सर रख के इस टाइम सो रहे लेकिन बहुत सोहनी पग बनी हुई है। बहुत ही जेड़े छोटे छोटे जवाक ने वो भी इत्थे आए हुए ने, सर ते दुमाला बनते ने और गुरु घर दियां खुशियां हासिल करते ने। यह रौनक मेला आशिमा 3 दिन चलेगा और हुम हुमा के जेड़ी संगत है वो पहुंच रही है खास तौर पर विदेशों तो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कैनेडा, तो इतों भी जेड़ी संगत है वो इत्थे पहुंच रही है। उन्होंने लिए भी जेड़े खास प्रबंध ने प्रशासन वालों किए गए ने, एसजीपीसी वालों किए गए ने और सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए ने ताकि किसी को भी मुश्किलों का सामना ना करना पाए। बिल्कुल हरकिरत, यहाँ पर जो संगत है उनमें उत्साह देखते ही बन रहा है और रौनक, हम अगर एक बार बात करें तो वहां पर किस तरह की जो तैयारियां हैं वो हम चाहेंगे कि एक बार अपने आप कैमरा पैन करके दिखाएं, जूम करके दिखाएं कि किस तरह की रौनक वहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशिमा, मैं तुम्हें दसना चाहूंगा जेड़ा मेन एंट्रेंस गेट है इस दे विच एक बोर्ड लाया हुआ है जिदे विच लिखा हुआ है खालसा पंथ के प्रगट स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे होला महला समय आईया समूह संगतान जी आया नू। ते फुल्लां दा भी जेड़ा खास प्रबंध है वो भी किया गया है, तख्त श्री केसगढ़ साहिब नू फुल्लां नाल सजाया गया है, इलाही बाणी के कीर्तन इत्थे हो रहे हैं, गुरु घर दे विच पहुंची है संगत जिहड़ी है इलाही बाणी का कीर्तन आनंद माण रही है और 3 दिन जेड़े आ रौनकां इत्थे वेखण नू मिलणगियां और जेड़े निहंग सिख ने वो भी अपने जोहर दिखाएंगे, शस्त्र जेड़े ने उन्होंने कोल जेड़े ने वो भी इत्थे आणगे। बाजार दे विच तुसीं वेख सकदे हो जिहड़ी रौनकां लगियां होईयां ने, इह भीड़ जिहड़ी है दिन बर दिन हजारां तों लखां दे विच होएगी जद मुख जिहड़ा होला महला 2 तरीक नूं जद बनाया जाएगा तां वो भी बनदा, इत्थे रौनकां जिहड़ियां वेखण नूं मिलणगियां और तुसीं वेख सकदे हो जिहड़ी सजावट है खास तौर ते कीती गई है। आशिमा तुसी मेरे तो पूछा कि खास गल की है, तो मैं खास गल तुहानू इस रोड की दसदा कि इहनू हर घंटे के बाद इत्थे सफाई की जा रही है, तुसी वेख सकते हो कि इहनू पानी दे नाल साफ किया जा रहा है ताकि इत्थे जिहड़ा गंद है वह ना मच सके। तो मुख जिहड़ी गल्लां ने उहनू जहन दे विच रख के एसजीपीसी वल्लों खास प्रबंध तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे किए गए ने। ते बोले सोने हाल दे जकारिया दा नाल जिहड़ा इह गूंज रहा है तुसी वेख सकते हो कि किन्नी एक्साइटमेंट इहनां दे विच है।
ਜੀ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਤੇ ਆਸ਼ਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਤੇ ਆਸ਼ਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ बिल्कुल देखते ही बन रहा है हर किरत। अगर बात करें होला मोहल्ला, तीन दिन यहाँ पर ही चलेगा और तमाम तैयारी भी पूरी कर ली गई। अगर बात करें होला मोहल्ला के पीछे मनाने का क्या मकसद है, इसका क्या महत्व हर किरत माना जाता है? बिल्कुल आशिम, मैं आपको बता दूं 1757 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी और उन्होंने खालसा पंथ की सृजना की थी। खालसा पंथ उन्होंने बनाया था, वो इस करके बनाया था ताकि खालसा जो है वो एक अलग कौम पहचानी जाए और जो सिख है उसकी आइडेंटिटी हो सके। 1757 से वो जो अपने सूरमे थे उनको तैयार करते थे, उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया जाता था, उनको सिखाया जाता था कि तलवारबाजी कैसे करते हैं, घुड़सवारी कैसे करते हैं। तो एक डिफरेंट आइडेंटिटी देने के लिए, क्योंकि देश के अंदर होली मनाई जाती थी, तो उसको थोड़ा सा अलग सा अंदाज देते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रथा शुरू करी होला महल्ला। क्योंकि यह लिखा भी होया जड़ा खालसा है वो होली नहीं, होला खेड़दा है और महल्ला करता है। होली मीन्स जड़ा आप रंग लगाने हैं उन्हें होला कहा जाता है। महल्ला मीन्स तुसी सारा महल्ला इकट्ठा कर दो, यानी कि जिन्हें भी सिख जथेबंदी हैं वो इस पावन धरती के उत्ते इकट्ठिया होंगी हैं। शस्त्र विद्या के जेड़े ज्ञान ने, शस्त्र विद्या के जेड़े जोहर ने वो दसे जाते हैं, दिखाए जाते हैं। उस तो बाद घुड़सवारी है जी वो इतने की जाती है और खालसा पंथ अपनी आइडेंटिटी दिखाता है कि साडे विच एक डिफरेंट आइडेंटिटी है जिस करके सानू खालसा कहा जाता है। तो इहदा यही मतलब है आशिमा, तीन दिन यह त्यौहार जिहड़ा बड़ा उत्साह दे नाल सिख जथेबंदियों वालों इतने मनाया जाता है। 28 तरीक, 1 तरीक और 2 तरीक नू आनंदपुर साहिब की इस पावन धरती के उत्ते बहुत रौनकां लगन वाली है। आने वाले समय के असी तुहानू पल पल की जानकारी है जिहड़ी वह भी देंदे रहांगे।